तथा च शुक्र शिष्यो गौड़पादाचार्य, सुखदेव का शिष्य गौड़पादाचार्य जी का यह वचन है। अब यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया, अब कई बात इसे विवाद खड़ा करते हैं लोग, सुखदेव कब हुए, गौड़पादाचार्य कब हुए, कहाँ ये गुरु शिष्य बोल दिया इन्होंने। तब कहा जाता है परंपरा को संस्मरण कर दे, कह दिया नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम, शुकम गौड़ पदम लिखा है, इसलिए शुक्र शिष्य गौड़पाद कह दिया, इसे कोई आपत्ति नहीं, काफी बीच और गुरु परंपरा हो रखा है, परंपरा का संस्मरण जिस क्रम से लिया गया उसके आधार पर कह दिया गया। मांडव्य कारिका तीसरे प्रकरण की पांचवी कारिका है 3-5, यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्दज्जीवासुकादिभिः। यथा एकस्मिन् घटाकाशे, एक घटाकाश में जिसे रज हो धूम हो आदियों के द्वारा युक्त कर दिया जाए, लेकिन उस घटाकाश के साथ उनमें से किसी का भी कोई संबंध नहीं होता, सर्वे न संप्रयुज्यन्ते, तद ठीक उसी प्रकार से जीवाः सुखादि भी न संप्रयुज्यन्ते। जैसे अनेक घट अनेक घटाकाश है, प्रत्येक घटाकाश के साथ कहीं आपने मिट्टी डाल दिया रज मनी मिट्टी, कहीं आपने डाल दी धुआं भर दिया, कहीं कुछ गुड़ है, कहीं दारू रख दिया, कहीं कुछ रख दिया, लेकिन तत्त्व घटाकाश के साथ तत्त्व वस्तु का संबंध लगता है, इन वास्तव में नहीं। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक ही ब्रह्म अनेक जीवात्मा तत्त्व शरीरों में घटावचिन्न आकाश के समान विभिन्न शरीरावचिन्न चैतन्य रूपेण आत्मा अनुभव में आता है, इन तत्त्व शरीर भी उपाधियों में मन अंतकरण आदि उपाधियों में जो कि भी सुखादि हो रहा है उससे वास्तव में उस जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है, कि जीवात्मा एक कल्पित भेद मात्र ही है ना, कल्पित भेद के साथ वस्तु का वास्तविक संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि वे वस्तु भी वास्तव में कल्पित ही है, सुखादि भी उनका संबंध मान भी लिया जाए कोई कल्पित संबंध ही हो सकता है, वास्तविक संबंध नहीं हो सकता। और जो जीव ब्रह्म ही है उसके संबंध ही संभव नहीं, अजय सुखादियों के साथ जीव के संबंध नहीं का तात्पर्य ब्रह्म के साथ संबंध ना होने से ब्रह्म अभिन्न जीव के साथ उसका संबंध नहीं है। तस्माद् अद्वितीय परमात्मनि उपाधितो जीवेश्वरयोः और जीवानां च भेद व्यवस्था यः सिद्धत्वात्, इसे अद्वितीय परमात्मा में उपाधि के वजह से जीवेश्वर का भेद और जीवों का परस्पर भेद की व्यवस्था सिद्ध हो जाती है। न विशुद्ध सत्वोपादे है ईश्वर से अविशुद्धोपाधि जीवगता सुख दुख मोह अज्ञान आदि विद्यन्ते, संबंध अध्यार कर लेंगे क्रियापद को, विशुद्ध सत्वोपाधि वाले ईश्वर के अंदर में भी अविशुद्ध उपाधि वाले जीवगत सुख दुख आदि का कोई संबंध हो ही नहीं सकता। तथा च भगवान पराशर, इसे भगवान पराशर ने विष्णु पुराण में 5:32 में कहा, ज्ञानात्म कस्यामल सत्वराशेर अपेत दोषस्य सदा स्फुटस्य किं वा जगत्यस्ति समस्त पुंसाम अज्ञातमस्यास्त हृदिस्थितस्य, हृदिस्थितस्य पाठ है कहीं, इति स्थितस्य हमारे पुस्तक पाठ में दिखा रहे हैं। ज्ञानात्म कस्यामल सत्वराशेर, ज्ञानात्मक है विशुद्ध सत्व राशि रूपा जो ईश्वर है, अपेत दोषस्य सर्व दोष रहित है, सदा स्फुटस् सदा स्पष्ट प्रकाश स्वरूप है, किंवा जगत्यस्ति समस्त पुंसाम अज्ञातम अस्य अस्ति हृदय स्थितस्य, उस हृदय में स्थित ईश्वर के प्रति अस्य हृदय स्थितस्य उस विशेषण उसी का ज्ञानात्मकस्य अमल सत्व राशे है अपित दोषस्य सदा स्फुटस्य हृदय स्थितस्य अस्य किम अज्ञातम, सर क्या अज्ञात है, मैंने सर्वम ज्ञातम,
जगति समस्त पुष्पुंसाम अज्ञातम किम अस्ति, किमपि नास्ति। इस जगत में समस्त पुरुषों का, जीवों का क्रियाकलाप आदि, सोचना, समझना, व्यवहार, संस्कार, वासनाएं, सारी चीजें वो क्या नहीं जानता है, मैंने सब कुछ जानता है। कहने के अभिप्राय जीवगत गुण दोष का उस ईश्वर के साथ संबंध ही नहीं है। जब विशुद्ध सत्व ईश्वर के साथ संबंध नहीं है, सत्वादि सर्वरहित शुद्ध ब्रह्म में संबंध कैसे हो सकता है, कभी तक नहीं आई। इन जीवों का सुख दुख गुण दोष आदि विशुद्ध सत्व ईश्वर में भी संबंधित नहीं कर पा रहे हैं, तो सत्वादि रहित शुद्ध ब्रह्म में कैसे संबंध करेंगे। निश्चित रूपेण इसका कोई संबंध नहीं है। नापि जीवांतर्गत सुख दुख मोहादिना जीवांतरस्य बद्धस्य मुक्तस्य वा संबंध। इतना ही जीवांतर्गतस्य, एक जीव के अंदर विद्यमान जो सुख दुख आदि है, जीवांतर्गत सुख दुख मोहादिना जीवांतरस्य बद्धस्य मुक्तस्य वा, चाहे दूसरा बद्ध जीव हो चाहे दूसरा मुक्त जीव हो, उनका भी परस्पर कोई संबंध नहीं होता। एक जीवगत सुख दुख ज्ञान आदि मोह ज्ञान आदि, उसका दूसरे जीव पर कोई असर नहीं है। इसलिए आप जितना रट लेते हैं, तैयार कर लेते, तो आप ही को लाभ है, उससे दूसरों को क्या लाभ होगा। ये तो हो ही नहीं सकता कि आप भोजन कर ले दूसरे का पेट भर जाए, वो तो विश्वंभर ईश्वर ही कर सकता है ऐसी लीला। एक दाना चावल कर ले 10,000 ऋषियों का पेट ढकारते ढकारते प्रसन्न भाग गए, आए भी नहीं। ये तो विश्वंभर काम कर सकता है, आम आदमी की सबक की बस की बात नहीं। योगियों में भी ऐसे कहानी नहीं आता है, ईश्वर ही कर सकता है, क्योंकि ईश्वर में सर्वजीव संबंध है ना, सभी हृदय में व्याप्त, तभी बोले सभी हृदय में स्थित है वो। लेकिन जीव, एक जीव दूसरे जीव के हृदय में स्थित नहीं है ना। इसे एक जीव का सुख दुख मोह ज्ञान अज्ञान आदि जो भी है, वह उसका संबंध दूसरे जीव के साथ किंचिदपि नहीं होता। अच्छा, हर जीव का अपना अपना मेहनत अपने आप करना पड़ता है। कुछ लोग आए कुछ दिन पहले की बात है, हमारे पिताजी बहुत पाप करते हैं, बहुत ढोंगी हैं, बहुत गलत करते हैं, बहुत झूठ भी बोलते हैं, वो सब पाप हमको तो नहीं लगेगा। उनके बच्चे पूछ रहे, ऐसा अच्छा उसे पिताजी नहीं थे, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, शायद वो पूछते भी नहीं थे इसलिए पूछ लिया। लेकिन फिर भी मूर्ख तो फंसते हैं ना कहीं ना कहीं, वो मूर्खों ने रिकॉर्डिंग कर लिया था, और वो जाके रिकॉर्डिंग उन्होंने अपने माँ को सुनाया, और माँ ने अपना राशन पानी लिए हुए उस बाप के ऊपर चढ़ गए, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, ये हो वो हो, ऐसा तो पैसे कैसे पता चला, पति पीछे पड़ा, पत्नी ने बताया, बच्चों ने रिकॉर्डिंग करके लाया। हम तो सारे खबर आ गए, देखो मूर्ख तो क्या करते हैं। तो उसे भलाई था, सबको पोल पट्टी साफ साफ खुल गया सारी बातें। मैंने साफ कहा किसी का पाप किसी को लगता नहीं, ये तो विशिष्ट महान योगी ईश्वरी है जो आपके पापों को नष्ट कर सकता है, ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। इन एक जीव का सुख दुख आदि, पुण्य पाप आदि, ज्ञान अज्ञान आदि दूसरे जीव में जाएगा, ये कदाचित अपनी नहीं हो सकता। महान योगी लोगों के देखा क्यों करते हैं, दूसरे का रोग आदि अपने पर ले लेते हैं, क्षय कर देते हैं, वो सामर्थ्य है उनकी। ये सामान्यतः कह रहे हैं जीवांतर्गतस्य सुख दुख का मोहादिना जीवांतर से, चाहे जीवांतर बद्ध हो चाहे जीवांतर मुक्त से, वा नहीं नापि संबंध, संबंध नहीं होता। इसलिए एक जीव का मुक्त होने से सब मुक्त हो जाएंगे कि जीव ब्रह्म एक है, ये सारी बकवास खंडित हो गया। एक जीव मुक्त हुआ तो उसको अपने लिए हुआ, उस ज्ञान का दूसरे पर कोई असर करने वाला नहीं है। जैसे कहा ना कि कल ही विचार हुआ
गाय का असर गधे पर कहाँ से करेगा? गाय के साथ रहने से, उठने बैठने से, खाने पीने से थोड़ा हो जाएगा। ऐसे कई महापुरुषों के सेवा करने वालों को देखा गया, दिन रात ये 20-20 साल 30-30 साल 50 साल लगे हुए हैं, लेकिन उस महापुरुष के ज्ञान विवेक वैराग्य कुछ भी चीज़ का लेश मात्र भी असर नहीं। बस उनका जैसे वेश पहनेंगे, उनका जैसे माला पहनेंगे, उनके जैसे खड़ाव पहनेंगे, उनके सारा नाटक करेंगे। उत नकल करने का ही अकल आया और कुछ भी नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है देखकर, ये शास्त्र क्या था है? आपको खुद को करना पड़ेगा, महापुरुष की सेवा करने का पुण्य मिलेगा। और पुण्य का फल भी क्या है, मंडकोपनिषद में कह देना, तस्माद् हर्षेत् ब्रह्मज्ञं भूतिकामः, ऐश्वर्य मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा, उनके नाम पर खूब आश्रम बना लो आप, ये हो सकता है, और कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए बार बार यह कहते हैं, इसे जो पूर्व पक्षी ने दोष दिया तो दोष दूर हो गया, उपाधि तो व्यवस्था या असंभवात, अत एक मुक्तो सर्वमुक्ति रीति भवदुक्तस्य चौत्यस्य अनवकाशस्य। इसीलिए उपाधि तो सारी व्यवस्था होने के कारण एक मुक्ति से सर्वमुक्ति हो जाएगी, ऐसे जो आपके द्वारा कहा हुआ दोष है उसे कोई अवसर ही नहीं रह गया, शंका का अवसर ही नहीं, चौद्यस मैंने शंकनीयस्य अवसर एव नास्ति। किंच इदम अपरम वैलक्षण्यम इत्याह, एक और वैलक्षणता है जीवेश्वर को लेकर के, ज्याज्यौ द्वावजावीश नीशौ अजाह्ये का भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता अनंतशात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता, त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। अजाह्ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनन्तस्य विश्वरूपा ह्यकर्ता, त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। ज्याज्यौ द्वौ अजौ ईशनीशौ, ईशानीशौ होना चाहिए दीर्घो, लेकिन दीर्घ नहीं हुआ छांदस बोलेंगे भाष्यकार, दीर्घ अभाव रस हो जाना छांदस है। ईशादंत है, अनिशा अजादी है, अकस्म दीर्घ हो जाएगा, ईशानीशौ ये होना चाहिए, लेकिन छंद को बनाए रखने के लिए वेद ने उसको श्रुति माता ने ह्रस्व करके पाठ कर दिया। ज्याज्यौ ज्याज्यौ द्वौ अजौ ईशानीशौ, देखो भाई दो है संसार, द्वासुपर्णा से जा सका है कि व्याख्या एक तरह से हो रहा है, थोड़ा अंतर है। ज्या आज्यों एक ज्या है, दूसरा आज्य है, ये दो हैं कुल, दोनों ही कैसे हैं अजौ, दोनों ही अजन्मा है, एन एक ईश समर्थ है, दूसरा अनीश असमर्थ है, मन एक चेतन है दूसरा जड़ है। अजा हे का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता, एक अज ऐसा है, एका अजा भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता, भोक्तृ और भोग्य रूपी अर्थ से युक्ता अजा एका, और दूसरा कैसा है, अनंतश्च आत्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता, और आत्मा अनंत है, विश्वरूप अनंत रूप धारण के नाना रूप धारण कर लिया है, फिर भी वह अकर्ता, इसी को पकड़ते हैं, पुरुष में भोक्तृत्व कर्तृत्व नहीं, अतः प्रकृति में कर्तृत्व है भोक्तृत्व नहीं। त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म, त्रयम् यदा विन्दते, जब इन तीनों को प्राप्त करते हैं भोक्तृ भोग्य और भोग, भोक्तृ भोग्य रूप त्रय को जब प्राप्त कर लेता है, कैसे प्राप्त करता है, ये सब मायात्मक है, अतएव अधिष्ठान भूत ब्रह्म यदा विन्दते, जब प्राप्त कर लेता है
मेतत, मेतत क्या है वास्तव में? या टिप्पण में हमारे यहाँ पाठ भी दिखाया, ब्रह्म मेत्विति, मेतु है वहाँ इति, और उसका अर्थ करते हैं इसीलिए यथा अन्यत्र मैतु पाठ है, अन्यत्र वेद में मैतु पाठ है, म एतु, उसका अर्थ ने क्या किया है, मैंने वहां अर्थ किया मधु मैंने अमृतम, एतु आगच्छतु मेरे पास अमृत आवे, मुझे अमृत प्राप्त होवे, ये अर्थ वहां किया है। म का अर्थ मधु क्या, मैंने मधु, मधु के म लिखा है धू लोप कर दे छांदस, मध्वेतु, मध्वेतु होना चाहिए, मेतु मैतु प्रयोग हो गया, वह म का अर्थ मधु मैंने अमृतत्व, तद्येतु वह मुझे प्राप्त हो गए, तदत यहाँ पर भी कहेंगे एतु ना भी हो पाठ, इसलिए टिप्पण में कार एतु दिखाया, मूल में एतत् है। जब त्रय के माध्यम से माया मैत्व जानने से आप ब्रह्म को प्राप्त करोगे, वह ब्रह्म कैसा है, म एतत्, म मैंने मधु, अमृतम एतत्, यही अमृत यही मोक्ष है, एतत् ब्रह्मेव अमृतम मैंने मोक्ष, ये अर्थ करने के लिए मेतत् मैंने म एतत् वृद्धि क्यों नहीं किया, मैतत् होना चाहिए था, तब आ कहेंगे अतो गुणे परूपी हो जाएगा, अरे मेतु भी हो सकता है मैतु भी हो सकता है, बौड़म छंदसी उन्होंने अतो गुणे कर दिया, वृद्धि रुचि नहीं लगाया, ऐसे भी लोग व्यवस्था देते हैं। किंच इदम् अपरवलक्षणम् इत्याह ज्याज्योद्वाविति, न केवल व्यक्ता व्यक्तम भरदेशो नाप्यनीश संपदित्ते जीव इत्यादि, आपने पूर्व में देखा एक श्लोक में कहा था कि व्यक्ता व्यक्त है, क्षराक्षर है, वह ईशः भरते इसका सबको भरण पोषण कर रहा है, दूसरे में अभी पूर्ववर्ती मंत्र में देखा वह जीव अनिश न संबंधित थे, उसके साथ सांसारिक किसी पदार्थ के वास्ते कोई संबंध ही नहीं है, उतने ही नहीं न केवलम इदे इदम एव वैलक्षणम, किंतु अपरमस्ति वैलक्षण्यम, किमस्ति अपरम वैलक्षण्यम, अपितु अपितु यह भी विलक्षणता है, क्या है, ज्य नाम के दो हैं, ज्य ईश्वरो और अज्य कौन जीव, ज्य कौन है ईश्वर, द्वासपूर्णा सुजा सखाया, जीव और ईश्वर हृदय में बैठे हुए हैं, समान वृक्षम परिसो सुजाते, एक ऋषि की व्याख्या है, ज्य मने जीव, यही अंतर है। यहाँ पर क्या ले रहे थे मैंने बताया, सांख्य वाले अज्ञ से ले रहे थे प्रधान को, ज्ञा से ले रहे थे पुरुष को, अतः ज्ञ में भोक्तृत्व और अज्ञ में कर्तृत्व, ये उन्होंने लिया था, लेकिन वह नहीं है वास्तव में, यहाँ दास पूर्णा करके जो कहा गया अन्यत्र मंत्र उसकी व्याख्या मंत्र भाग में स्पष्ट किया जा रहा है, यहाँ से ज्ञ से क्या लेना है हमारे अनुसार, ईश्वर को लेना, और अज्ञ से जीवात्मा को लेना, प्रधान नहीं जड़ नहीं अचेतन नहीं, उन्होंने ज्ञ से चेतन लिया अज्ञ से अचेतन ले लिए, और अपने अनुसार घटाने की कोशिश की इस मंत्र को, लेकिन सिद्धांत पक्ष यह है ज्ञ मन ईश्वर अज्ञ मन जीव, तव अजो जन्मादि रहित, वास्तव में दोनों के दोनों अज है, दोनों ही जन्मादि से रहित है, वहां भी एक अजो ही एक स्वादु पिपल मत्ति, जीव भी अज है लेकिन अपने कर्मफल भोग रहा है, और दूसरा आज क्या कर रहा है, अनश्न अन्य अभिचाकशीति, उसी को समझाया, इसलिए देखो वहीं आप पर भी लेना है, ये दोनों ही अज है, ईश्वर भी अज है जीव भी अज है, क्यों ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं, क्षेत्रज्ञम चापे माम विद्धि सर्व क्षेत्र भारत, ब्रह्मण एव अविकृतस्य जीवेश्वर आत्मा अवस्थाना, एक मद्विति एकमेव अद्विति जो ब्रह्म है
वही अविकृत होते हुए जीव और ईश्वर रूप में अवस्थित है, प्रतीत हो रहा है। वही ब्रह्म मुझे ईश्वरत्व ने प्रतीत हो रहा है और वही ब्रह्म खुद जीव रूप ने मुझे प्रतीत होता है। तथा च श्रुति, जैसे कैसे, क्योंकि श्रुति स्वयं कह रही है, बृहदारण्यकोपनिषद 2.5.18 में पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे चतुष्पद पुरा सपक्षी भूत्वा पुरा पुरुष आविशत। उसने पहले दो पैर वालों को बनाया, चार पैर वालों को बनाया, इस प्रकार से अनंत प्रकार के योनियों को, शरीरों को निर्माण कर दिया। फिर वह पक्षी के जैसा पक्षी बन करके, मान लो एक तरह से उड़ उड़ के हर एक घोंसले के अंदर जैसा चिड़िया चला जाता है, उसी प्रकार से यह भी प्रत्येक शरीर में प्रवेश कर गया। पक्षी भूत्वा पुरुष सन आविशत। कठोपनिषद में भी कहा है, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूतम रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। दोनों है, दो दो नौ, दो दो दस, नौ और दस दोनों में क्रम से इस प्रकार से आता है। ईश निशो ऐसे कैसे हो गया, ईशानीशो होना चाहिए दीर्घो, कहते छांदसम रस्वताम, छांदस रस हो गया है। नानो अद्वैतवादी ने यदि भोक्तिर्भोग्य लक्षण प्रपंच सिद्धि ही स्यात् तदा सर्वेश परमेश्वर अनीशो जीव। पूर्व पक्षी कहता है यदि हम मान लेते, अद्वैतवादी के द्वारा मान लिया जाता है कि भोग तिर्भोग्य रूपा प्रपंच दुनिया में है, दुनिया है भोग तिर्भोग्यात्मक प्रपंच यदि सिद्ध सात, तभी विभाग तुम बोल रहे हो ना जीव ईश्वर वगैरह सब माना जा सकता है, नहीं तो विभाग किसके लिए है, तो जगत ही ना हो तो। एक में अद्वितीय कह देते हो, जगत है ही नहीं, मिथ्या है, फिर ये जीव ईश्वर विभाग किस लिए सुना रहे हो। जब पूर्व पक्षी पूछता है ननो अद्वैतवादिना, यदि आपके मत में यदि भोक्तृभोग्य लक्षण रूपा जो प्रपंच की जगत की स्थिति होती तो ये सारी व्यवस्था बन जाता, तदा ये विकल्प जो विभाग है सर्वेश परमेश्वर और अनीशो जीव, ईशो जगह ईश्वर अनीशो जगह जीव, सर्वज्ञ परमेश्वर असर्वज्ञ जीव, सर्वकृत परमेश्वर असर्वकृत जीव, सर्वभृत परमेश्वर देहादिभृत जीव, सर्वात्मा परमेश्वर असर्वात्मा जीव, विश्वैश्वर्य आप्तकाम परमेश्वर अल्पैश्वर्य अनाप्तकामो जीव। ये सारी बातें तभी घटती है जब जगत मानो। इस प्रकार का जीवेश्वरवाद, जीव और ईश्वर का भेद दोनों अजित्य जो आपने कहा, ये तभी संभव है जब आप जगत को मानते हैं। सर्वत पाणिपादम श्रद्धा श्रुति 3-6 पूर्व कहो, वो भी यहीं पर श्रद्धा श्रुति 3-14 नित्यो नित्यानाम ये 6-13 इत्यादि ना जीवेश्वर विलक्षण व्यवहार सिद्धि यदि तदा स्या, ऐसा नहीं होगा यदि जगत मानोगे तब यह सब सिद्धि मानी जा सकेगी, लेकिन न तो भोक्तादि प्रपंच सिद्धि रस्ति स्वतः कूटस्थ अपरिणामी अद्वितीय द्वितीय स्य वस्तुतो वस्तुनो अभोक्त्रादि रूपत्वात्। क्योंकि लेकिन आपके मत में भोक्त्रादि प्रपंच सिद्धि ही नहीं हो सकती, न तो सिद्धि रस्ति, क्यों, स्वतः आपके मत ब्रह्म कैसा है, कूटस्थ है, अपरिणामी है, अद्वितीय है, वस्तुतः भोक्त्रादि रूपत्व है ही नहीं। ना भी परतो ब्रह्म व्यतिरिक्त से भोक्त्रादि प्रपंच हेतुभूतस्य वस्तुअंतरस्य अभाव। और अब ये कहो ब्रह्म से भिन्न कोई जगत नाम का चीज है कहीं, कदे भी आप नहीं कह सकते। ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य परतः भोक्त्रादि प्रपंच हेतुभूतस्य वस्तुअंतरस्य आपके मत में अभाव, क्योंकि अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं ब्रह्म से भिन्न। वस्तुअंतर सद्भावे अद्वैतानि, यदि वस्तुअंतर मान लिया अपने ब्रह्म से भिन्न, जो जगत का कारण, जगत को उत्पाद भोक्तृभोग्य
संसार को पैदा कर रहा है जो, फिर तो अद्वैत हानि हो जाएगा। इत्याशंक्या अजाह्ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता। तब जवाब में कहा, नहीं भाई, ये सब माया का खेल है, अविद्या का खेल में ये भोक्त है, भोक्तृभोग्य व्यवस्था हमारे यहाँ है, जगत है, लेकिन जगत हम पारमार्थिक नहीं मानेंगे। जगत नहीं है नहीं बोलूंगा, जगत असिद्ध है नहीं कहूंगा, व्यावहारिक सिद्धि है उसका। उसी दृष्टिकोण आज जीव भी है, ईश्वर भी है, सब व्यावहारिक व्यवस्था के अंतर्गत है। इसलिए कहते हैं जवाब में मंत्र को लाया, अजाह्ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता भवेदयम ईश्वराद्य विभाग। ईश्वरादि का विभाग होता यदि प्रपंच असिद्धि रेव स्यात्, यदि प्रपंच का सिद्धि वेदांत मत में होता तो, लेकिन सिद्धत्येव प्रपंच, वेदांत मत में भी प्रपंच की सिद्धि है, प्रपंच है ही। मंत्र स्थिर ले रहे ही, एक काम ही है ना, ही माने यस्माद, और यस्माद अर्थे ही है, यस्माद अजा प्रकृति न जायती त्यजा सिद्धा प्रसव धर्मिणी। जिसलिए एक प्रकृति नाम की चीज है जो कि अजा है, न जायती त्यजा, अजा कर बकरी नहीं लेना, यहाँ पर कहते बकरी नहीं है, प्रकृति है। वह प्रसव धर्मिणी, उसका स्वभाव है पैदा करते रहना, उसका स्वभाव है पैदा करते रहना। किसने पूछा आपके यहाँ जो है देवी देवता बहुत हैं, बाकी सब देवी देवता बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहना करके खड़ा करते हो, यानी एक आपने गड़बड़ कर दिया, काली मैया को नंगा खड़ा कर दिया, ये क्या आपने किया? भारतीय हिंदुओं की खोपड़ी ठीक नहीं, दोष दिया। जवाब देने वाले संत ने कहा कि ऐसा नहीं भाई, कि बताओ इस संसार में एक भी क्षण है क्या जहां सृष्टि नहीं होता हो? सृष्टि का प्रसव निरंतर हो रहा है, एक भी क्षण नहीं कि लंगोटी पहना दे, कैसे पहनाएंगे, उत्पन्न कैसे, बाहर आएगा कैसे? प्रसव के लिए नंगा तो करना पड़ेगा ना, इसीलिए हम काली मैया को प्रकृति रूप मानते हैं, निरंतर सृष्टि को पैदा कर रही है, प्रसव धर्मिणी है वो, अतएव उसे हम नंग नहीं दिखाया है। तो सुन के आश्चर्य किए तो महात्मा ठीक बोल दिए जवाब, और बाकियों में हम प्रसव धर्मिणी नहीं मान रहे ना, सरस्वती की विद्या देने वाली है, 24 घंटे थोड़ी विद्या प्रवाह होता है, हर विद्या प्रवाह नीचे से नहीं होता है, मुंह से होता है, बुद्धि से होता है, से नीचे को बंद रखने में आपत्ति थोड़ी है। लक्ष्मी है, धन प्रवाह करने वाली है, हाथों से दिखाई दिया, हाथ से प्रवाह हो रही, नीचे से थोड़ा होता है, इसीलिए वहां भी नीचे ढक दिया गया। इस प्रकार सभी में हेतु मिल जाता है, जिसके सबको पूर्ण वस्त्र पहनाया गया है, और एकमात्र काड़ी को प्रसव धर्मिणी मानने से निर्वस्त्र खड़ा किया, प्रसव धर्मिणी पर याद आया। अजाम एकाम, श्वेता सूत्र में आएगा कि 4-5, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम मायाम तो प्रकृति विद्या माइनंतु महेश्वरम, ये 4-10 में श्वेता सूत्र में ही, इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते, 2-5-10 बृहदारण्यक, माया परा प्रकृति ही नहीं का है ये, सबवाम्यात मायया गीता 4-6 इत्यादि स्मृति स्मृति सिद्धा विश्वजननी देवात्मशक्ति रूपा एका। ऐश्वर्य स्मृतियों में सिद्ध है विश्व को उत्पन्न करने वाली देवात्मशक्ति रूपा है वो एक है, स्वविकार भूत भोक्तृभोग भोग्यार्थ प्रयुक्ता। स्वविकार भूता भोक्ता भोग और भोग्य, इस त्रिपुटी से प्रयुक्त सदा रहती है। ईश्वर निकटवर्तिनी किं कुर्वाणा अवतिष्ठते,
ईश्वर के निकट में रह करके उस देवात्मा का शक्ति रूप हो करके क्या करती हुई रहती है वहां पर। उसका काम यही है जगत पैदा करना। ईश्वर की माया ईश्वर के निकट में रहकर ईश्वर की ही प्रेरणा से निरंतर सृष्टि को बनाती रहती है। तस्मात सोपि माई, इसलिए उस परमेश्वर को मायाई माई माई नंतु महेश्वरम कह दिया गया है। परमेश्वर मायोपाधि सन्निधे है, मायर भी उपाधि सन्निधि होने से तद्वान ईवा, लेकिन देखो वास्तव में माया भी नहीं हुई, माया वह है भी नहीं, इसलिए कह दिया मायावान के समान लगता है। तद्वान इव कार्यभूतेर देहादि भी तद्वदेव विभक्तिर्वा विभक्त, कार्यभूता देहादिकों के माध्यम से विभक्त के समान विभक्त होकर के अविद्या वाला माया वाला जीवेश्वर आदि विभाग दिखाई देता है। ईश्वर आदि रूपेण अवतिष्ठत है अशुद्ध ब्रह्म, ये उस मायर भी उपाधि की सन्निधि में होकर के माया भी हो न होते भी माया की सन्निधि में रह करके जीव ईश्वर आदि रूपेण अवस्थित होता है। तस्मात एकस्मिन् एकांशे परमात्मनि अपिगुमन माने अपि, इसे एकमेव अद्वितीय, उस परमात्मा के एक अंश में ही हम इस बात को स्वीकार करते हैं। ममैव अंश जो बलो के जीवभूत यद्य विभूति व सतम तत्तेजो अंश समुद्भव, अंश मात्र है। पादस्य एका भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, एक पाद मात्र में ही पूरे ब्रह्म में भी माया व्याप्त और जगत व्याप्त, ऐसा नहीं है। जैसे कपड़े के किनारे में आपने जो है कुछ सुंदरता बना दिया, चित्र विलेखन कर दिया है, बाकी कपड़ा सफेद साफ सुथरा है, शॉल वगैरह बनते नहीं पूरा सफेद, लेकिन बॉर्डर बना, बॉर्डर बोलते हैं किनारा बना देते हैं, रंग बिरंग उसे चमकदार भी बना देते हैं। चमकदार को उड़ाने से बड़ा आदमी भी अहंकार है, देखो मेरे को इतना सम्मान दिया, चमक दमक वाला बढ़िया शॉल पहना दिया, नहीं विचित्र संसार है। वास्तव में वैसे ही ब्रह्म के एक अंश में ही केवल जगत है, इस शॉल के किनारे में है, कहीं बीच बीच में डाल देते हैं। ऐसे साड़ियां देखो पूरे साड़ी में ही पूरे की पूरे में जो है कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ बना देते, धोती भी ऐसे शॉल भी ऐसे बन गए, पूरे में कलाकृति करके दिखा रहे हैं। पहनने वाले के लिए बोझ होता होगा नहीं, प्रिंट हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पिरोया हुआ हो तो फिर वजन तो बढ़ेगा उससे। खैर जैसे वो सब वहां पर एक में अद्वितीय में अंतर नहीं पड़ता है, एकस्मिन् परमात्मनि एकांशे अपिगम्यमाने अपि जीवेश्वरादि सर्वलौकिक सर्व भेद व्यवहार सिद्धि स्यात्। एकांश भले ही हम स्वीकार कर रहे हैं फिर भी जीव ईश्वरादि सकल लौकिक सकल भेद व्यवहार सिद्ध हो जाता है। न च तयोर वस्तंतरस्य सद्भावात् द्वैतवाद प्रसक्ति, इसलिए उन दोनों से अलग कोई वस्तुंतर है ही नहीं, एक सत्य एक मिथ्या, एक सत्य ब्रह्म और दूसरा अंडरते माया, इन दो के अलावा कोई तीसरा चीज संसार में है ही नहीं। उसे एक ही सत्य है इसे एक ही है कहना होता है, लेकिन परिदृश्यमान जगत भ्रांति के दृष्टिकोण में सत्य माया को मानना पड़ा, सत्य अंडरते मिथुनी कृत्य, इसे ब्रह्मसूत्र आरंभ में कहा गया एक सत्य है एक अनृत्य, इन दोनों का अनादिकाल में कभी मिथुनी भाव हो गया, तब जीव जीवर जगत आदि सारी सृष्टि दिखाई दे रहे। इसलिए तयोर वस्तुंतर से वास्तव में उन दोनों से अलग वस्तुंतर से सद्भावाद न च सद्भावाद द्वैतवाद प्रसक्ति, द्वैतवाद की प्रसक्ति हमारे मत में लेश मात्र भी नहीं है,
माया या अनिर्वाचकतेन। देखो स्पष्ट कर दिया, तेरे दो तो मान ही लिया ना, द्वैत तो हो ही गया। कहते नहीं नहीं, माया या अनिर्वाचकतेन वस्तुत्व योगात, उसके वस्तुत्व ही सिद्ध नहीं है। तथा ऐसा ही भगवन माया सद व्यक्ति वर्जिता। हे भगवन, ऐसा माया सदसद व्यक्ति वर्जिता, सदात्मक व्यक्ति रूप से भी रहित है, असदात्मक व्यक्ति रूप से भी वह रहित है, ऐसी वह यह विलक्षण माया है। यस्माद् अजैव भोक्त्रादि रूपा तस्मात् तत्स्वीकृतस्य मिथ्या सिद्ध वस्तु संभवाद अनंतश्च आत्मा। इसलिए वह अज परब्रह्म परमात्मा ही भोक्त्रादि रूपता की सिद्धि के लिए माया को स्वीकार किया गया, भोक्त्रादि रूप तस्मात् तत्स्वीकृतस्य मिथ्या सिद्ध वस्तु संभवाद, उसके द्वारा स्वीकृत मिथ्या सिद्ध वस्तुत्व संभव होने से ये आत्मा को अगले मंत्र में कहा, उत्तरार्ध में कहा अनंतश्च आत्मा इति। च शब्दो अनंतश्च क्यों कहा? च शब्दो अवधारणे अनंत एव आत्मा। वास्तव में आत्मा कैसा है? अंत रहित है, अविनाशी है। यह संख्या अनंत नहीं है, अनंत माने करोड़ों अरबों खरबों परार्ध पर्यंता, वो संख्या पर अनंत शब्द नहीं है यहाँ पर। इसलिए आगे स्पष्ट करते हैं, अस्य अंतः माने परिच्छेदः देश तक काल तो वस्तुतो वा न विद्यते इति। इस ब्रह्म का, इस आत्मा का अंत माने परिच्छेद, देश तो परिच्छेद हो, काल तो परिच्छेद हो, वस्तु परिच्छेद हो, कदाचिदपि नहीं है। जो वस्तु देश तो परिचिन्न होता है वह विनाशी होता है, जो वस्तु काल तो परिचिन्न होता है वह विनाशी होता है, जो वस्तु वस्तु तो परिचिन्न होता है वह भी विनाशी हो जाता है। जो कुछ भी संसार में है सब तीनों ही से परिचिन्न है, देश तो परिचिन्न है। जहाँ आपका शरीर है क्या है ये देश में तो वह नहीं है ना, व्यापक थोड़े है, इसका नाम देश तो परिचिन्न है। और काल तो परिचिन्न ही, आप गिनी रहे कितना आया, आयु कितना हुआ पूछते हैं आने वाले गणना करने वाले लोग, लेकिन आए बताओ, आप बोलते हो ना 60 हुआ 62 हुआ 50 हुआ 40 हुआ जो भी हुआ, कालावच्छिन्न आपने मान लिया कि नहीं? काल तो परिचिन्न भी यह है अति विनाशी है, वस्तु तो परिचिन्न तो है ही। इधर उधर कहीं भर्ती करने जाओ तो बोलेंगे हाइट देखो कितना है, वजन देखो कितना है, वस्तु तो परिचिन्न है ना, ये आपकी ऊंचाई नापी जा रही है। व्यापक का नाप हो सकता है कि मैंने व्यापक है नहीं आप, तो वस्तु तो परिचिन्न है आप, काल तो परिचिन्न है, देश तो परिचिन्न है, अति विनाशी है। इसलिए कहते हैं अंत परिच्छेद देश तक काल तो वस्तु हो वा ना वित्यतीति अनंत, ऐसा जहां नहीं है उसका नाम अनंत है, आत्मा है, ब्रह्म है। विश्वरूप विश्वम असीम रूपम इति विश्वरूप, ये संपूर्ण विश्व इसी का रूप है, ये अधिष्ठान से अलग उचित है ही नहीं, अधिष्ठान ही तद्रुतद रूपेण भाषित हो रहा है, अधिष्ठान ही तद्दत रूपेण अनंत रूपेण भाषित होता है। ब्रह्म का ये सब चमत्कार है, शैव दर्शन में शिव का चमत्कार है, ये क्या क्या बन गए, पेड़ पौधा सिंह चूहा मच्छर क्या नहीं बना, गजब ही गजब है। इधर सृष्टि को देखते जाओ अंत ही नहीं, आश्चर्य प्रति आश्चर्य दिखाई देते रहता है। ये तो मूर्खों ने सेवन वंडर्स बोल दिया उनके अपने हिसाब से, नहीं तो वंडरफुल वर्ल्ड है, फुल ऑफ वंडर्स। अरे हर इंसान अपने आप में एक वंडर है, नहीं है, अंग्रेजी के हिसाब से बोल रहा हूँ, नहीं तो वंडर हिंदी गलत शब्द है भाई, आश्चर्यात्मक है। एक एक चीज देखते जाओ, देखो ये दो मोबाइल है कितना कमाल है, ये भी है कितना बड़ा आश्चर्य है।
क्या क्या नहीं दिखा देता है इसमें, क्या क्या नहीं होता है इसमें, हिसाब किताब रखो, हिसाब रुपया यहां से वहां चला जाता है, कहां से कहां, बताओ, भेज दिया थड़ाक से, कितनी देर लगता है, कमाल नहीं है इसमें। पहले तो दूर से आवाज सुनने थे तो क्यों थोड़ा, अब तो लाइव देख लो, लाइव बोलते जीवंत, तत्काल चलता हो चलन चित्र देख लो, हर चीज चाहे आपका बनाया चाहे ईश्वर का बनाया, हर चीज चमत्कारी चमत्कार है। देखने की दृष्टि चाहिए, दोष देखने लोगे तो दोष ही दोष है, कहीं भी अच्छा ही नहीं है, क्या बिल्कुल खराब चीज है, दोष देखना चाहो तो बिल्कुल खराब है। हर आदमी का पूरा समय बर्बाद कर रखा है मोबाइल, लगे रहते दिन भर फे फालतू, लड़का देखो लड़की देखो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, पैसे में लगे हुए, खराबी तो है। त्रिगुणात्मक होने के नाते सर्वम चमत्कार भी है और सर्वम में दोष भी है, इसलिए कहते देखो कि विश्वम अस्यैव रूपम इति परस्य अविश्वरूपत्वात्, कि वास्तव में वह परमात्मा खुद अपने आप में अविश्वरूप है, नहीं भाषित होने से उसको विश्वरूप भी कहा जाता है। वाचारमण विकार नामधेयम् इति रूपस्य रूपी व्यतिरेकेण अभावात्, क्योंकि रूप को रूपी से अलग अस्तित्व ही निषेध कर दिया गया है, विश्वरूपत्वात् अपि अनंत्यम सिद्धम इत्यर्थः, जिसलिए विश्वरूप है इसलिए वह अनंत है, यह परस्पर हेतु हेतु भाव से भी इसको घटाया जा सकता है। यहाँ भी यही शब्द आया है यस्माद अर्थ है यकर्ता, यकर्ता में ही जो है यहाँ भी यस्माद एतादृक तस्माद अकर्ता, यस्माद विश्वरूप वैश्वरूप्यम, विश्वरूप वरंगनाथ उसकी विश्वरूपता है, इसलिए ही लक्षणम परम आत्मनः इत्यमादिविर आत्मनो विश्वरूपत्व इत्यर्थ, परमात्मनः विश्वरूपम लक्षणम, वैश्वरूपता ही उस परमात्मा का लक्षण है, जिसलिए इत्यमाद्र आत्मनो विश्वरूपत्व मुक्तम इत्यर्थ, यथा एव अनंतो, जिसलिए वह अनंत है, यथा एव अनंतो विश्वरूपश्च आत्मा अतएव अकर्ता, दोनों हित प्रग ले दिया, जिसलिए विश्वरूप है आत्मा और जिसलिए अनंत है वह आत्मा, इसलिए वह आत्मा अकर्ता, अकर्ता इति कर्तृत्वादि संसार धर्म रहित इत्यर्थ, कर्तृत्वादि सकल संसार धर्मों से रहित हो, कदा एवं अनंत विश्वरूप अकर्तृत्वादि सकल संसार धर्म परिचित मुक्ता, लेकिन कब यह स्थिति आती है, कदा एवं स्यात्, कब हम अनंत होंगे, कब हम विश्वरूप हो जाएंगे, कर्तृत्वादि सकल संसार धर्म से रहित कब हम होंगे, मुक्त कब होंगे, पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म रूपेण अवतिष्ठते, कब यह पूर्ण आनंद रूपेण अद्वितीय ब्रह्म रूपेण अवस्थित होवेगा, इत्यत्र आह, तब बताए जब आप इस त्रय को त्रिपुटी को मिथ्या जानो, जब तक इसमें से किसी भी एक हिस्से को सत्य मान के बैठे हो तब तक होगा नहीं। त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्, त्रयम् त्रयम् कौन, भोक्तृ भोग्य और भोग्य रूपा, भोक्तृ भोग और भोग्य रूपस्य मायात्मकत्वात्, इसको कैसे देखना आपने, ये मायात्मक है, मिथ्या है, अधिष्ठानभूत ब्रह्म व्यतिरेकिण नास्ति, इसलिए अधिष्ठान भूता ब्रह्म से अलग इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ही नहीं है सब, इतिबार से नेति 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 करके सब रूप जो दर्शन हो रहा है उनको निषेध करना पड़ेगा। जब अवशेष है इन सकल निषेध का अवधि भूत आत्मा है वही ब्रह्म है, उसका अनुभूति होती है, किंतु ब्रह्म ही वही थी यदा विन्दत, किंतु सब वास्तव में ब्रह्म ही इस अनंत आनंद रूपेण दिखाई दे रहा है, विश्वरूपेण दिखाई दे रहा है, ऐसे जब अनुभव करोगे प्राप्त करोगे तदा
निवृत्त निखिल विकल्प पूर्ण आनंद द्वितीय ब्रह्म कर्तृत्व सकल संसार धर्म वर्जितो वीत शोक कृतकृत्य अवतिष्ठति इत्यर्थः। तब आप जो है निवृत्त निखिल विकल्पों से, सकल विकल्पों से रहित हो जाओगे, पूर्ण आनंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। जब तब कर्तृत्वादि सकल संसार धर्मों से रहित हो, शोकादि से भी रहित हो, कृतकृत्य हो करके, प्राप्त प्राप्य हो करके आप अवस्थित हो जाओगे। अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं, ज्याज्यौ अजात्मक जीवेश्वर प्रकृति रूपत्रयम्। अजात्मक जीव ईश्वर प्रतिरूप त्रयम्, त्रयम का क्या लिया, तीन ले लो, ज्य अज्ञ और प्रकृति, त्रयम् विन्दते। त्रयम् विन्दते का अर्थ क्या लेना, आप तीनों की असलियत को जान लिया, ज्य क्या है, अज्ञ क्या है, प्रकृति माया क्या है, इन तीनों को ठीक ठीक समझ लेना ही आपको ब्रह्म भाव की प्राप्ति का कारण बनेगा। त्रयम् मने ज्य अज्ञ, ज्य अज्ञ अजात्मक, कौन है वो, ज्य मने जीव, ज मने ईश्वर, अज्ञ मने जीव और अज मने प्रकृति, जीवेश्वर प्रकृति रूप त्रयम्। ये तीनों के तीनों क्या है, ब्रह्म एव। इति यदा विन्दते लभते, जब ऐसा लाभ अनुभूति हो जाएगी तदा मुच्यते, उसी क्षण मुक्त हो जाता है। ब्रह्ममिति, ब्रह्मम कैसे बना, रूप तो बन ही नहीं सकता ना, ब्रह्म तो नपुंसकलिंग है, ब्रह्मम कहाँ से बनेगा, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी बनेगा, ब्रह्मम तो कदाचित भी नहीं बनता। वेद अर्थ लोगे तो भी नहीं होगा, वहां ब्रह्मांडम बनेगा, ब्रह्मम तो भी नहीं बनेगा, ब्रह्मन शब्द है ना, ब्रह्मांडम बनता है, ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माण, ब्रह्मांडम ब्रह्माणो ब्रह्मण ब्रह्मण, वहां भी अन्य क्या कर लो, नहीं होता न संयोगात वमंता, निषेध कर दो। इसीलिए कहते हैं कि देखो ब्रह्मम शब्द बन ही नहीं सकता, पर क्या व्याख्या करें इसका, ब्रह्मम इति मकारांतम, ब्रह्मम एतु, ब्रह्मम एतु ऐसा कर लेंगे, ब्रह्म म एतु ऐसा पाठ करो, ब्रह्म म एतु ऐसे करेंगे तो क्या होगा, यथा अन्यत्र दिखा रही, म मने मधु, म मने मधुम, एतु माम इति वत् छांदसम, अन्यत्र मंत्र आया है मई तो माम म ए तु माम, व्याख्या किया म मने मधु, मधुम ए तु माम ऐसे व्याख्या, इतिवत गज, वैसे ही यहाँ पर भी छांदस प्रयोग हो गया, मधु को म कह दिया गया, नाम में होता है ना, जैसे लंबा नाम होता है आदमी को जो है आधे वादा बोल देते, छोटा थोड़ा सा बोल दे उसे पकड़ लो, वैसे यहाँ पर हो गया समझ।